ठाकुर आगे क्या होते हैं? शिलाद कहते हैं भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लीन, तुमसे है ये मेरी कामना, तुझसे लागी जो मेरी लगन, बस मांगू मैं तुमसे यही, दे दो प्रभु मुझे एक ललन। जब तप करता रहूंगा मेरे हो, जब तप करता रहूंगा दे दो ना मुझे बरदा। आज देखिए शिलाद की तपस्या और जो वर मांगना चाहा वही मिलेगा। हो जब तक करता रहूंगा दे दो ना मुझे बरदा, और हो करी दो दया दया आगे। भगवान भोलेनाथ शिलाद के रूप में जैसे ही शिलाद भूमि जोतते हैं उस धरती से उस भूमि से एक बालक उत्पन्न होता है। क्या होता है? वो मेरे भोलेनाथ कर दो दया, बड़ी मेहरबानी हो गई। क्या होता है? वो मेरे भोले दान कर दो दया, वो मेरे भोले दान कर दो दया, का फल है जो शिलाद ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या से लाल पाया। वो धरती से निकला ललन, जिस भूमि को जोतते थे उस भूमि से एक ललन हुआ। वो धरती से निकला ललन, Ha ha ha।
देखो सच हुआ सपना ओ मेरे भोले तन कर दो दया बड़ी मेहरबानी हो गई आज तपस्या के बाद भगवान भोलेनाथ वरदुल वरदान स्वरूप शिलाद के यहाँ भूमि से एक बालक हुआ जिसका नाम नंदी, जो भगवान भोलेनाथ के साथ में हमेशा रहते हैं। तो शिलाद कहते हैं होकर के तपस्या होकर के तपस्या शिला दिन देखो परवेशा जो पाए शिलाद की भक्ति बड़ी ही कमाल है शिलाद के भक्ते बड़े ही कमाल है शिलाद के भक्ते बड़े ही कमाल है और दानियों में दानी मेरे भोलेनाथ है पुत्र रतन पायो पुत्र रतन पायो पितरों के कहने के अनुसार शिलाद ने तपस्या की भगवान